आपको मिलाना चाहता हूँ कि आज हम लोग आए हैं विजिट पे। हमारे ये हमारा जो जगह पड़ता है ये जालौन जिला में आता है और इसको हम लोग न्यामतपुर एरिया से नाम से फेमस है और ये जालौन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। तो ये हमारे पास राजीव जी हैं और इनका मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स किए हुए समथिंग एक साल हो गया और एक साल के बाद हम लोग इस एरिया में विजिट करने के लिए आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जितने भी सजेशन लोग जो सीख करके जाते हैं तो हम उनकी शॉप पर जब भी संडे को टाइम होता है तो हम उनकी शॉप पर जाते हैं कि वो लोग कैसे काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग लेने के बाद किस तरीके से उनका काम करने का तरीका क्या है, या उनको सीखने के बाद कोई कमी तो नहीं आ रही है या कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत आ रही है तो उनको हेल्प मिलनी चाहिए, और कोई परेशानी भी आती है, कोई भी समस्या आती है कि किस तरीके से काम किया जाएगा, रिपेयरिंग का काम कैसे करना है, तो उनको जो भी जनरली मदद मिलनी चाहिए वो ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से उनको बच्चों को मिलती है। जैसे हमने अपने बच्चों को लाइफ टाइम सपोर्ट दिया है तो लाइफ टाइम सपोर्ट से ज़्यादा ही मिलता है ताकि हम लोग बच्चों से खुद कनेक्ट रहते हैं ताकि बच्चे किस तरीके से काम कर रहे हैं उसका तरीका हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से सारे बच्चे लोग सीख करके अपनी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की शॉप को ओपन करते हैं और आज राजीव जी ने हमको बहुत यहाँ नाश्ता पानी कराया, समोसे खिलाए, मिठाई खिलाई। हमें भी बड़ा अच्छा लगा कि आज हम अपने परिवार एक घर की जगह आए हुए हैं कि जो हमारा एक टुकड़ा था आज वो टुकड़ा यहाँ पर एक स्टार्ट हुआ है और सर काम करके अच्छी तरीके से काम करें। और सर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि सर पहले आर्मी के डिफेंस की तैयारी करते थे, डिफेंस की काफ़ी टाइम हो गया तैयारी करते करते, फिर एक बार किसी कारण बस सर का रिजल्ट थोड़ा सा नहीं हो पाया और मतलब आज भी उनका विचाराधीन है कि चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, जिस दिन फाइनल हो जाएगा उस दिन लग जाएंगे, लेकिन उसकी वजह से सर काफ़ी नर्वस थे। जब मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आए थे, जब मेरे फ़ोन से बात हुई तब उन्होंने बताया था कि सर मेरे साथ साथ ऐसा सीन हुआ है, मैं छोटे से गाँव से रहने वाला हूँ और मुझे नहीं लगता नहीं कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तो जब वीडियो के माध्यम से इन्होंने देखा समझा तो मेरे पास आए मिलने के लिए, तो फिर इन्होंने एट ए टाइम ही कोर्स को ज्वाइन किया और 1.5 महीने रह करके लग करके पूरा दिन वहीं पर क्लास करते थे और फैमिली वाले पर्सन होने के बाद भी अपने फैमिली को 1.5 महीने के लिए छोड़ा, पूरा समय दिया, पूरा कोर्स सीखा। कोर्स सीखने के बाद आज अपनी शॉप को रन कर रहे हैं और शॉप रन करने के बाद जैसा कि सर ने मुझे बताया कि हम डेली 1500 रुपये का काम अपना डेली काम कर लेते हैं, हमको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती, हमारा पास में घर है, हमारे खेत भी हैं और भी बहुत सारे काम हैं, वो भी हमारे सारे काम चलते रहते हैं और हम इस काम को भी कर लेते हैं। देखिए सर का आप सेटअप देख सकते हैं चारों तरफ से किस तरीके से सर ने शॉप को बहुत अच्छा से डेकोरेशन सेट कर रखा है, एसेसरीज का भी काम करते हैं, मोबाइल फ़ोन के सारे रिपेयरिंग का भी काम करते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग, इंटरनेट से संबंधित और अभी जन सेवा केंद्र वगैरह है वो भी सर को उससे संबंधित जितने भी सारे काम होते हैं सारे काम करते रहते हैं। और सर आप अपने बारे में थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए कि किस तरीके से आप काम कर रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। सर्वप्रथम हमें काम करने के लिए बल्कि मुझे कुछ नहीं आता था रिपेयरिंग के बारे में, एक बार हमने यूट्यूब से सर का वीडियो देखा तो वीडियो देखने के बाद लगा हम एक बेरोजगार व्यक्ति थे, हम कुछ नहीं करते थे, ये प्राइवेट टीचर थे, वहाँ पे हमें 3 से 4 हज़ार रुपये की अर्निंग होती थी उससे कि ताकि हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा था। हम उससे सहमत अच्छे से नहीं, मतलब घर परिवार के साथ साथ फैमिली होने के साथ साथ हमारा खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे। तब हमने सर का वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद हम कानपुर हमने कोचिंग ज्वाइन की तो सर का जो व्यवहार है नेचर है हमें बहुत पसंद आया और हमने सीखा। हमारे मोहित सर जी हैं, राघवेंद्र सर जी हैं, इन्होंने कड़ी मेहनत के साथ साथ हमको सिखाया, काम करने में हमें दिक्कतें भी आईं लेकिन सर ने हमें भरोसा दिया आगे चल के आप काम सीख जाएंगे। करते 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 मैंने पूरा कोर्स किया, कोर्स करने के बाद अपनी दुकान डाली, दुकान में हमने काम किया, आज फुल एक्सपीरियंस के साथ एंड्रॉयड कीपैड कोई भी मोबाइल हो उसको हम अच्छे से रिपेयर कर सकते हैं और कम समय में। और आज हम 1500 रुपये जो डेली बेसिक है डेली कमा लेते हैं जिससे हमारा गुजारा भत्ता भी अच्छे से चलता है और हमारी जो बेरोजगारी थी उससे बेरोजगारी में हमें मदद भी मिली है और अच्छे से आज हमारा सेटअप भी लगा हुआ है, काम भी अच्छे से कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है सर, मैं भी चाहता हूँ कि इसी तरीके से जितने भी सारे लोग हैं जो लोग अगर उनको किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है या कोई काम मिल जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन सर ऐसा अगर होता है तो बहुत कम लोगों के साथ में। अगर मैं आपको बताऊँ 100 लोग तैयारी करते हैं या 10,000 लोग तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं 200-300 लोगों को काम मिलता है, वो भी अगर गवर्नमेंट की लाइन में जाएँ तो 100 लोग अगर आदमी तैयारी करता है तो 100 में से 2 लोगों को काम मिलता है। रेशियो कितना है गवर्नमेंट सर्विस का, जो रेशियो है आज के डेट में वो 3 से लेकर के 5% है। बिल्कुल सर, 3 से लेकर के 5% रेशियो है गवर्नमेंट सर्विस का, और जिसमें से गवर्नमेंट सर्विस की जो तैयारी करते हैं मुझे लगता है स्कूल से जैसे ही बंदा फायर होता है निकलता है, हाई स्कूल इंटर करने के बाद बाहर निकलता है तो उसमें से 50 से
60% जो लोग होते हैं गवर्नमेंट के काम तैयारी करने में लग जाते हैं और 30-40 लोग होते हैं प्राइवेट सेक्टर में जो उनका अपना काम होता है उसी काम पर लग जाते हैं। लेकिन 60-70% लोग गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं, 60-70 में से 2-3% लोगों को काम मिलता है, नहीं तो काम नहीं मिलता। लेकिन मेरा ये कहने का ये मतलब है कि आप सब चीज़ों को तैयारी करिए, लेकिन तैयारी के साथ साथ एक अपने हाथ में हुनर भी रखिए, एक टेक्निकल हुनर भी रखिए, ताकि आप कल को 2 पैसे के लिए कमा सकेंगे और मार्केट में सर्वाइव करेंगे। एक बात दोस्त ध्यान रखिए, अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है तो मार्केट में सर्वाइव करने के लिए, अपने जीवन को यापन करने के लिए पैसे कमाना बहुत जरूरी है। पैसे कमाने का एक ही जरिया है, आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप काम करेंगे तो उसी के बदले में आपको पैसा मिलेगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। जाहिर सी बात है, आप घर से 10 दिन बाहर रहिए, कहीं भी काम करिए, आपको पैसा मिलेगा। 10 दिन घर के अंदर घुसे रहिए, कोई 1 रुपया नहीं रहने वाला, घर भी आप घर में भी आप बोझ बन जाएंगे। तो घर से आप निकलिए, आप एक छोटी सी ट्रेनिंग है, आप चाहें तो हमारे पास आकर के ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, सर के देखिए इस तरीके से पूरा सेटअप है। आज सर के पास एक मोबाइल फ़ोन आया था, उसमें बैटरी का प्रॉब्लम था, उसको ठीक कर रहे थे, ऑन ऑफ स्विच फिट किया है। इस तरीके से रिपेयरिंग के जो भी काम आता है उस काम को करते हैं। जितने भी सारे मशीनें हैं, सारी मशीन टूल वगैरह लगी हैं, जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं वो मोबाइल फ़ोन को देखो सर रिपेयर करते हैं, रिपेयर करने के बाद उसको रख देते हैं ताकि कस्टमर जो फ़ोन आता है वो अपने टाइम टू टाइम ले जाता है, उसका जो खर्चा है उस खर्चों को बताते हैं। तो कल को अगर इनकेस अगर गवर्नमेंट सर्विस में आ जाएगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं आएगा तो फैमिली है, पूरा काम है, अपना खुद का शरीर है, तो खर्चा पानी कैसे चलेगा। खर्चा पानी करने के लिए तो काम करना ही पड़ेगा ना। इसीलिए क्या है कि अगर हम लोग 25,000, 30,000, 40,000 की नौकरी करने के लिए बाहर जाते हैं तो बाहर जाने से बेहतर है हम खुद का काम अपना स्टार्ट कर लें। दूसरी बात, अगर आप बाहर भी सर्विस के लिए जाते हो, अगर आप फ्रेशर हो तो कहीं भी जब आप जॉब के लिए जाओगे तो कॉमन सी बात आती है, एक आदमी यही आपसे पूछेगा भाई तुमको कोई जानकारी है कि नहीं जानकारी, क्योंकि जब आपको कोई काम आता है तभी आपको रोजगार मिलेगा, काम नहीं आता तो रोजगार नहीं मिलेगा, तो ऐसे वैसे काम में कहीं भी लग जाओ। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे पास लोग स्टूडेंट लोग होते हैं, सीख करके अपना काम स्टार्ट करते हैं, आप देख सकते हैं। और आप भी अगर ट्रेनिंग लेना चाहें तो ट्रेनिंग ले सकते हैं, वहाँ पर आपको 45 दिन का पूरा ट्रेनिंग मिलता है और 45 दिन में पूरा आप ट्रेंड हो जाते हैं। सर ने जो सीखा था 45 डेज वहीं पर रखे थे, रहने का हॉस्टल सुविधा भी है, आराम से रह भी सकते हैं और फुल डे सब चीज़ों को लेकर के ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम आपको आगे की वीडियो में मिलेंगे और आप इस तरीके से पूरा देख सकते हैं किस तरीके से सर ने अपना काम स्टार्ट किया, आप भी इसी तरीके से सीख करके खड़े हो सकते हैं। थैंक यू।